हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को मेरी आवाज क्लियर हो रही होगी। मैं वरुण अवस्थी अन अकेडमी एसएससी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी। तो अगर वॉइस क्लियर है मेरी तो आप लोग एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि मैं इस सेशन को स्टार्ट कर सकूँ। और आज के भी इस सेशन में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 7 दिन के लिए मैंने सेशन स्टार्ट किया था और हर सेशन में मैं आपसे 15 बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पिछले 6 महीने के। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वी हैव ऑब्जर्व द एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ तेलंगाना ऑन विच डेट। तेलंगाना का स्थापना दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? तेलंगाना का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 2 जून को। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो ध्यान रखना, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना हुआ है, ठीक है। एक चीज और, तेलंगाना को बनाने के लिए कब बिल पास किया गया था? तेलंगाना को बनाने के लिए जो बिल पास किया गया था, यह इंट्रोड्यूस किया गया था 5 दिसंबर 2013 को। तेलंगाना में इस टाइम पे चंद्रशेखर राव की सरकार है और गवर्नर है तमिसलाई सुंदरराजन। कौन है? तमिसलाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, आर श्रीलेखा हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी इन विच स्टेट। आर श्रीलेखा ये हैं जो कि एक आईपीएस अधिकारी है, जो कि अभी हाल ही में पहली महिला डीजीपी बनी है। कौन से राज्य की? तो आपको ध्यान रखना है, आर श्रीलेखा ये कौन से राज्य की डीजीपी बनी है? ये केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, यहां पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। और आंध्र प्रदेश में YS जगमोहन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड टू हाउ मेनी डेयरी फार्मर्स बिलोंगिंग टू मिल्क यूनियंस एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि भारत सरकार की तरफ से ये कितने किसान हैं पूरे देश भर के जिनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज से या फिर कहीं ना कहीं डेयरी फार्मर्स हैं। तो ऐसे पूरे देश भर के 1.5 करोड़ किसानों को भारत सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी। कितने दिनों के अंदर ये क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे किसानों के? अगले 2 महीनों के अंदर सरकार ने अनाउंस किया था। और इस टाइम पर डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ये किसके पास है? ये मिनिस्ट्री है गिरिराज सिंह के पास, गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, MSMEs विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ ₹5 करोड़ विल बी क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी। आपको बता दूं, ये बजट 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बजट 2020 से बनेंगे। अगर आपने बजट 2020 ठीक से नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं, YouTube पर सर्च कर लीजिए वरुण अवस्थी बजट 2020, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का मतलब यह है, आपसे कह रहा है कि ऐसे MSME जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का होगा और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का होगा, इनको कौन सी यूनिट में शामिल किया जाएगा? तो इनको कंसीडर किया जाएगा माइक्रो यूनिट में। आपको पता होना चाहिए बजट 2020 के आधार पर कि MSMEs की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर गाइडलाइन कितनी है और कितनी गाइडलाइन के आधार पर कौन सा स्मॉल, कौन सा मीडियम और कौन सा माइक्रो में कंसीडर किया जाएगा। फिलहाल MSME के मिनिस्टर कौन है? ये है नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हम लोग किस दिन मनाते हैं? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये जून की पहली तारीख को हम लोग मनाते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको सबसे पहले मनाया जाना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट विच एप्लीकेशन एंड एक्सपोजर नोटिफिकेशन API ऑफ एप्पल एंड गूगल। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा दुनिया का पहला ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया जो कि एप्पल और गूगल दोनों के API पर नोटिफिकेशन देगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या था? इसका नाम था स्विस कोविड। क्या नाम था? स्विस कोविड। तो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, कोरोना वायरस रिलेटेड ये एप्लीकेशन है, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसके मिनिस्टर कौन है सबसे पहले तो ये जानो, ये है डीवी सदानंद गौड़ा, डीवी सदानंद गौड़ा। अब आपसे पूछ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसके नए सचिव बने हैं आईएएस अधिकारी आर के चतुर्वेदी। आर के चतुर्वेदी ने किसको सक्सीड किया, इन्होंने सक्सीड किया पी राघवेंद्र को। क्या नाम है इनका, पी राघवेंद्र। तो पी राघवेंद्र पहले सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, अब आर के चतुर्वेदी अपॉइंट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्कॉटलैंड रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन लैंड एनिमल। आपसे कह रहा है स्कॉटलैंड की रिसर्च के आधार पर यह पाया गया कि दुनिया का सबसे पुराना लैंड एनिमल कौन सा है। दुनिया का सबसे पुराना लैंड एनिमल जो है इसका नाम है कैंपिकेरिस ओबिनेंसिस। क्या नाम है, कैंपिकेरिस ओबिनेंसिस। जी हाँ, ये यही है जो कि आपको ये कीड़ा दिख रहा है। ओके, ये दुनिया का सबसे पुराना आज तक का जाना जाने वाला लैंड एनिमल है जिसको स्कॉटलैंड की रिसर्च के द्वारा अभी एक्सपोजर मिला। इसके फुटप्रिंट्स भी पाए गए हैं, आप यहां पर देख सकते हो इस इमेज में। अब अगर यहां पर बात करें, ये मल्टीपल नेम्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली साइंटिफिक नेम्स हैं। ये जो यहां पर साइंटिफिक नेम आपको दिया गया है, बोसेलाफोस टर्गोकैमलस, ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं नील गाय को। नील गाय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नील गाय का नाम होता है टर्गोकैमलस। इसके बाद पावोक्रिस्टातस, पावोक्रिस्टातस बोलते हैं पीकॉक को। और ये जो रेटस रेटस नाम है, ये किसका है, ये ब्लैक रेट को बोलते हैं, काले चूहे को बोलते हैं रेटस रेटस। तो एक बार फिर से पढ़ो, कैंपिकेरिस ओबिनेंसिस, ये तो सबसे पुराना लैंड एनिमल है इस धरती पर। उसके बाद बोसेलाफस टर्गोकैमलस, ये नील गाय है। पावोक्रिस्टातस, ये बोलते हैं पीकॉक को। और रेटस रेटस, ये बोलते हैं ब्लैक रेट को। अगला क्वेश्चन है, एसएआई एंड एसएफआई, यहां पर एसएआई का मतलब क्या है। एसएआई का मतलब है यहां पर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एसएफआई का मतलब है यहां पर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों ने ज्वाइंटली मिलकर कौन सा प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया था। दोनों ने कोविड पैंडेमिक के दौरान अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था खेलो इंडिया ई पाठशाला। इसके तहत घर से ही जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको गाइडलाइन जारी करी गई थी और वो घर से ही बैठ के इस प्रोग्राम को देख सकते थे, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एसएआई और एसएफआई के द्वारा चलाए गए हैं उनका पालन घर पे ही रहकर कर सकते थे। यहां पर अगर एसएआई की बात करें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984 में करी गई थी। स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में करी गई थी। इट्स स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर क्या है, ग्रेटर नोएडा, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस स्प्रिंटर, इनका नाम क्या है, इनका नाम है बॉबी मोरो। इनका अभी कुछ टाइम पहले निधन हो गया। तो बॉबी मोरो कौन से देश से बिलोंग करते थे, बॉबी मोरो अमेरिकन स्प्रिंटर थे, इनका अभी हाल ही में 84 की उम्र में निधन हो गया। ओके, यहां पर यूएस की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन निसर्ग इज लाइकली टू हिट विच स्टेट्स कोस्टल एरिया। आपसे कह रहा है अभी कुछ टाइम पहले निसर्ग नाम का एक साइक्लोन आया था, एक तूफान आया था, ये समुद्री तूफान था, जो कि इनमें से कौन से दो राज्यों के कोस्टल एरिया पर टकराया। ये गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया से टच किया था निसर्ग साइक्लोन। इससे भी पहले एम्फन साइक्लोन आया था। कौन सा, एम्फन। एम्फन कहाँ आया था, देखो निसर्ग आपका इस तरफ आया है अरेबियन सी में, तो ये आपका महाराष्ट्र और ऊपर गुजरात। और इसी तरीके से एम्फन की अगर बात करें तो एम्फन आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया पर आया था, बे ऑफ बंगाल की तरफ से। ये आपका उड़ीसा और ऊपर वेस्ट बंगाल दोनों पे जाके हिट किया था। तो एम्फन ध्यान रखिएगा, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया में आया था, और जो निसर्ग है ये आपका वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड दिल्ली कोरोना ऐप, मोटो ऑफ दिस ऐप टू व्हाट। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया था। ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया था, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था टू ट्रैक द वेंटिलेटर्स एंड हॉस्पिटल बेड।
मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उनको भर्ती कराने के लिए आपको हॉस्पिटल जाकर देखने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली कोरोना ऐप डाउनलोड करिए और ऐप से ही आपको पता लग जाएगा किस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली है या नहीं खाली है। तो ये घर बैठे अपडेट देगा दिल्ली कोरोना ऐप, जिसको लॉन्च किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। दिल्ली में गवर्नर कौन है? ये है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दो और प्रोग्राम लॉन्च किए थे, एक इन्होंने 5G प्लान लॉन्च किया और दूसरा इन्होंने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया। कौन सा? ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2020 फोर्ब्स लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे कह रहा है साल 2020 की फोर्ब्स लिस्ट के आधार पर सबसे ज्यादा पे किए जाने वाले एथलीट कौन साबित हुए हैं। तो इनका नाम है रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। रोजर फेडरर दुनिया के सबसे ज्यादा पे किए जाने वाले खिलाड़ी है। रोजर फेडरर की कमाई कितनी है पूरे साल की? तो यहां पर आप देख सकते हो, रोजर फेडरर इनकी कमाई पूरे साल की है $106 मिलियन, जिसमें से इनकी सैलरी मात्र $6.3 मिलियन है, लेकिन बाकी के $100 मिलियन ये ब्रांड के एंडोर्समेंट से कमा लेते हैं। यहां पर बात करें तो आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं कमाने वाले, और थर्ड नंबर पे लियोनेल मेसी हैं, फोर्थ नंबर पे नेमार हैं, और फिफ्थ पे लेब्रॉन जेम्स हैं। यहां पर एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि फोर्ब्स लिस्ट 2020 के आधार पर ये कौन सा एथलीट है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो आप ध्यान रखना, सैलरी सबसे ज्यादा यहां पर आप देख सकते हो $72 मिलियन, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू रीनेम कोलकाता पोर्ट एज व्हाट। एक्सक्यूज मी, आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया है? कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ये एक पॉलिटिशियन थे, और ये कब से कब तक इन्होंने पोर्टफोलियो संभाला है मैं आपको बता दूं। वैसे तो इनका जन्म हुआ था 1901 में और इनकी मृत्यु 1953 में हुई थी। आजादी के बाद सबसे पहला जो पोर्टफोलियो था जवाहरलाल नेहरू का कैबिनेट, उसमें इनको मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिली थी। तो मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्व कर रहे थे, और सर्व करते हुए ही 1953 में इनकी मौत हो गई थी। वैसे अगर बाय प्रोफेशन बात करें तो ये एक बैरिस्टर थे मूलतः। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आज के आपको क्लियर हो गए होंगे, पूरे 15 क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज आप सभी को मैं एक टास्क देना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो को शेयर करना टेलीग्राम पे भूल गया, तो मेरी तरफ से आप सभी को निवेदन है कि आप सभी 28-30 लोग जितने भी इस टाइम पर लाइव हो, आप सभी लोग अपने अपनी तरफ से जो भी आपके जानने वाले टेलीग्राम चैनल हैं उनमें इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ऑडियंस इस चैनल पर भी आने लगे। अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। थैंक यू सो मच, आज की बात यहीं तक, बाकी रात में मुलाकात होगी। आप लोग देख लो अन अकेडमी SSC लाइव में, आज रात 10 बजे सॉइल पढ़ाने वाला हूँ। तो जिसको भी सॉइल पढ़ना हो अन अकेडमी SSC लाइव में रात 10 बजे आ जाना, सॉइल पढ़ाऊंगा। रात 9 बजे डू यू नो का तो आएगा ही सीरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। करंट अफेयर के लिए परेशान मत होइए, करंट अफेयर आने लगेंगे। मैंने आपको बोला था परसों कि 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, तो अब हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद ही आने लगे।